खान साहब की सिक्योरिटी के लिए क्यों? सिक्योरिटी करेंगे, हम आगे लेट जाएंगे, टैंक आएंगे, टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। आप अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़े, इस वक्त हालत जहाज में हमारा अल्लाह गवाह है, वजू से खड़े हैं, जान माल हमारे बच्चे हम इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देंगे। कौम को, अपनी कौम के बच्चों को ये तलकीन करने आई हूँ कि खुदा के लिए इमरान को अकेले ना छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनीगाला में मौजूद हूँ। कल डॉक्टर शहबाज गिल को बनीगाला से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। एक माँ जी यहाँ पहुँची हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। हमने जब ये शहबाज गिल का सुना तो वैसे भी हम मतलब है कि पूरा टाइम जो है ना हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात है। और क्यों ना करें, सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए। इस तरह है कि 65 में भी हमने देखा पाकिस्तान को लूटते हुए, फिर उसके बाद 71 में देखा, फिर अब हमें ये महसूस हो रहा है कि ये ना हो कि ये हमारा मुल्क हमारे हाथों से चला जाए और हम इस मुल्क को खो गए और हम तो अपनी ज़िंदगियां गुजार चुके हैं। अब हमारा ये है कि बच्चे मेरे दो बाहर रहते हैं, एक बच्चा, मैंने यहाँ मरना है, यहाँ जीना है, यहीं मैं पैदा हुई हूँ, यहाँ हमने रहना है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये पाकिस्तान का ये हिस्सा भी जो है ना वो हमारे से छीना। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि पाकिस्तान हमसे चला जाए? कितनी मोहब्बत है आपको पाकिस्तान? मैं बताऊं बेटा, बात ये है कि हम पिछली तारीख को देख रहे हैं, हम माजी को देख रहे हैं, क्योंकि 65 जो है उस वक्त भी हम छोटे से थे, वो भी हमने देखा, फिर उसके बाद 71 को में भी हमने देखा, हमारे ख़ानदान के लोग मुक्ति बानी के हाथों शहीद हुए, ढेरों ढेर जो इस पाकिस्तान में गए हुए थे ये इसके लिए टेक्सटाइल मिलों के पीछे से, क्योंकि वहाँ पर सारी टेक्सटाइल मिलें थी। तो इस वजह से अब हमें जो महसूस होता है कि ये पाकिस्तान भी हमारे हाथों से जाने वाला है। और कुछ लोग, ये अमूमन लोग कहते हैं ना कि जी ये आर्मी है, ये आर्मी नहीं है, इंसान के अपने बच्चे होते हैं ना, उसमें से भी अब एक मुर्गी के नीचे आप अंडे रखते हैं ना, तो उसमें जो 5-6 अंडे ठीक होते हैं, 5-6 ख़राब निकल आते हैं। इस तरह हमारे भी इधर से अंडे ख़राब हैं। अभी हम, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक, अभी तो हम रेकी कर रहे हैं, हम देखने आए हैं, हमारे लफ्ज़ है एक रेकी करना, हम देखने आए हैं कि क्या माहौल है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत, पूरी दुनिया जो है, हमारा पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो इस बात पे इतना परेशान है, बच्चा बच्चा हमारा परेशान है। मुझे ये बताएं, आपको पता है कल यहाँ से डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, आज जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? मैं तो इतनी मुज़म्मत करती हूँ, इतनी, कि एक सच्चे इंसान को, एक पाकिस्तान के मुजाहिद को आप जो है ना वो कर रहे हैं, हम कंडेम्ड करते हैं। एक मैं नहीं कर रही, 22 करोड़ अवाम जो है ना इस वक्त जो है ना वो उठा उठा के बदवाएं निकाल रहे हैं कि जो इस गद्दारी में मुलव्वस हैं, जो अंदरूनी है या बैरूनी गद्दार है, हम उनके लिए, हम उनको, 22 करोड़ अवाम पीछे लगी हुई है। ये तो अभी हमारा लीडर जो है ना इमरान खान, वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा किसी। अगर अगर खान साहब आपको कुछ कहें तो क्या करेंगे आप? हम करेंगे, हमारे से जो भी होगा। क्यों, श्रीलंका में हो गया, उनके पास क्या था? लोग जब आज़ादी चाहते हैं ना तो वो लकड़ियों से भी आज़ादी, सोटियों से भी आज़ादी ले लेते हैं, और औरत जो होती है ना वो दांत काट के भी जो है ना वो ले लेगी आज़ादी। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए पहुंची? मैं सिक्योरिटी के लिए पहुंची हूँ, अब तो मैं, और लोग भी आएंगे, वो तो उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी ग्रुप में ढेरों ढेर ख्वातीन भी हैं, और वो कह रहे हैं कि आप रेकी करके आए, देखा कहाँ पर है, कहाँ है, हमें पता नहीं चल रहा। तो हम जो है ना, किस तरह सिक्योरिटी करेंगे खान साहब की, और क्यों खान साहब की सिक्योरिटी के लिए क्यों? सिक्योरिटी करेंगे, हम आगे लेट जाएंगे, टैंक आएंगे, टैंकों के नीचे लेट जाएंगे, और जी हम जो भी, हम, हमारे पास बथेरे, हमें अकल इतनी तो शऊर अल्लाह ने दिया हुआ है ना। क्यों आप अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़े, इस वक्त हालत जहाज में हमारा अल्लाह गवाह है, वजू से खड़े हैं, जान माल हमारे बच्चे हम इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देंगे, और हम इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को जो है ना हमने जाने नहीं देना। अच्छा, मुझे बताएं, अगर कोई खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो फिर क्या करेंगे? हम आगे लेट जाएंगे,
हम आगे लेटेंगे इंशाल्लाह ताला, खुदा की कसम लेटेंगे, हम लाएंगे। जब ये हमारे पर हथियार चलाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे, क्यों हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारे पास उस ज़माने में भी तो लोग तलवारों से लड़ते थे। अर्तगल ने कैसे आज़ादी ली थी? क्या हमारा 22 करोड़ आवाम के ऊपर कोई भारी हो सकता है? ठीक है, इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए क्यों आए हैं? खान साहब का साथ क्यों दे रही हैं आप? भाई वो सच्चा लीडर है, वो ईमान वाला है, वो बंदा मैं इस तरह जानती हूँ, उसकी वालदा मदरसतुल बनात जलंधर की पढ़ी हुई थी, वो ईमान वाली खातून थी, ये उसका बेटा है, ये मेरा बाबा जो थे इसके वालिद के साथ पढ़ते थे इंडिया में, इकरामुल्ला नियाज़ी, मेरे बाप उसकी तारीफ करते थे कि ये इतना आला इंसान है, तो मैं तो इनकी तारीफ जानती हूँ। ये जो भी हुकूमत में है शहबाज शरीफ, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब, ये जितनी पीडीएम है, ओए डीजल काले का तो नाम ही ना लें। और जो ये कमबख्त है ना, ये गंजे, ओए अल्लाह, गंजे को मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, सियासत को एक तरफ करके, और तुम कहो कि ये शहबाज की क्या है? खुदा की कसम, मेरे जैसा गुनाहगार बंदा, मिडिल क्लास बंदा, मैं इसको पियन भी ना रखूँ जो पर्ची लेके तो वो करता है। इसने ना वो क्या है, एक वो है, वो भी सियासतदान, वो उससे सारा कुछ लिखवाता है, और जी इसको तो सियासत आती ही नहीं है। ये तो कमबख्त, ये वो थे नैल लगाने वाले, मेरे अब्बा इंडिया में पढ़ते थे, बाबा कहते थे कि ये तो घोड़ों का नैल लगाने वाले लोग हैं। तो ये एकदम, ये देखें इनकी भूख नहीं मार रही, खानदानी बंदे की भूख मार जाती है, वो देख चुका होता है कि भाई मुझे अब नहीं ज़रूरत, ये बेखानदानी लोग हैं, ये हराम खाने वाले हैं, ये हराम खोर हैं, ये पैसे के भूखे, और वो जो है ना कुर्सियों के भूखे हैं। खुदा की कसम, मैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आप लोगों को इंटरव्यू। इमरान खान ठीक है? इमरान खान ठीक है, इमरान खान खानदानी बंदा है, उसकी देखें ना तो कोई यहाँ पर कारोबार है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना वो किस लिए, वो हमारे मुल्क के लिए जंग लड़ रहे। ठीक है, एक और माँ जी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। नहीं नहीं, आप पापा जी, आप, मैंने आपसे बात कर दी है, आप जहाँ आई हैं, क्या वजह है, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पर जब ये जो शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया है और पता चला है कि उसके ड्राइवर को पर तशद्दुद हुआ, और तशद्दुद मुझे इस कदर रोना है, मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि ये क्या तरीका है। और मैंने जब यूट्यूब में देखा, मैंने ये यूट्यूब में देखा कि इमरान खान के जो का महल है, का घर है, उसके गिर्द पुलिस आ रही है, उसके गिर्द कैदियों की गाड़ी आ रही है, और अमेरिका ने अपना जहाज भेज दिया है। अच्छा अच्छा, आप फिर इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए यहां आई? तो मैं सिक्योरिटी के लिए तो नहीं आई, मैं बूढ़ी औरत क्या सिक्योरिटी करूंगी, मगर मैं अपने कौम के बच्चों को ये तलकीन करने आई हूं कि खुदा के लिए इमरान को अकेले ना छोड़ना। ये तमाम के तमाम बच्चे जो हैं, ये इमरान की हिफाजत के लिए तैयार हो जाए। अगर हम में से दो चार चले गए, जैसे 2016 में तुर्की का इनकलाब आया था, 2016 में तुर्की का इनकलाब आया था, तो तुर्क उर्दगान बादशाह सदर जो था वो अपने मरकज़ में नहीं था, वो मरकज़ से बाहर था, और फौज ने बगावत की थी, तो टैंकर जो थे वो चढ़ आए थे, तो लोग वहाँ पे लेट गए थे, और इतने में सारा इंटरनेट सिस्टम ख़त्म हो गया था। लिहाजा उसके बावजूद तुर्क उर्दगान ने तैयब उर्दगान ने लोगों को एक कॉल दी, और तमाम तुर्की जो था ये बाहर निकल आया था, और आखिर ये बगावत जो थी ये नाकाम हो। आप ये चाहती हैं कि इमरान खान के साथ भी लोग? जी, मैं ये कहती हूँ कि अब ये जो जैसे तुर्की का जो लोजान ये माहदा है, ये 6-7 महीने में ख़त्म हो रहा है, और ये 6-7 महीने जो हैं ये मुसलमानों के लिए बहुत तगड़े हैं और ख़तरनाक हैं। और हम ये ठीक है जी नाज़रीन, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सिर्फ अपील करने आई हूँ आवाम से कि जिस तरह से तुर्की को बचाया गया है, इसी तरह से अवाम जो हैं अब इमरान को अकेला ना छोड़ें, हर वक्त उसके साथ साथ रहें, उसकी सिक्योरिटी बने, और ये जो उसका जगह है, रिहाइश है, उसको खाली ना करें। ठीक है जी नाज़रीन, मैं आज यहाँ बनीगाला में मौजूद था,
कल डॉक्टर शहबाज गिल को यहाँ से गिरफ्तार किया गया तो माएँ यहाँ पहुँची हैं और इनका कहना है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए पहुँची हैं और इमरान खान के लिए इनकी जानें भी कुर्बान है। ये जज्बा है लोगों का। जो भी अपडेट हो आपको देता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।